आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीजें लाई हूं। कुछ फीमेल्स, कुछ बच्चे, कुछ मेल्स की बात करेंगे ताकि पूरी फैमिली इस शो का फायदा उठा सके। आप सभी के लिए कुछ ना कुछ मैं रोज लेकर आती हूं। आज क्या लेकर आई हूं देखते हैं। तपती धूप में ठंडक पहुंचाने वाली बर्फ से आपको बनाऊंगी सेहतमंद। क्यों नहीं आती आपके बच्चे को नींद? चैन की नींद कैसे सोएगा आपका बच्चा? पूरे मनोयोग से पूजा करने के बाद भी अगर भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है तो कहीं आपकी पूजा की विधि में प्रॉब्लम तो नहीं? सही तरीका बताऊंगी। घरेलू नुस्खों से आप नेचुरली परमानेंटली खूबसूरत बन सकते हैं। अपनी राशि के हिसाब से कल का लकी टाइम जाने और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप भी। अगर आपका बच्चा छोटा है और रात में ठीक से सोता नहीं है तो मैं ये प्रॉब्लम दूर कर देती हूँ। पर इससे पहले आपको बताती हूँ, बर्फ जिसको कई बार लोग कहते हैं अरे नहीं निकालो, गला खराब हो जाएगा, ये बर्फ आपको हेल्दी कैसे रखती है? क्या आपको पता है कि बर्फ, आइस जो है वो कैलोरी बर्न करता है। बॉडी पर बर्फ के पानी से भरी बाल्टी डालने पर बॉडी अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पर वापस आ जाती है। आपकी स्किन को कैसे फायदा पहुंचाता है? आइस क्यूब को चेहरे पर रगड़ने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, स्किन में चमक आती है। आपके बालों के लिए भी अच्छा है। ठंडे पानी में अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो इससे आपके बालों के क्यूटिकल्स फ्लैट हो जाते हैं जिससे बाल बहुत शाइनी हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप बर्फ के पानी से नहाएं। इससे आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे और एंड्रेनालिन एक नाम का हार्मोन होता है जो बढ़ेगा, जिससे आप फील गुड महसूस करेंगे। तभी जब बिल्कुल भरी गर्मी से आगे ठंडे पानी से नहाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ये जो हार्मोन है ये आपको खुश रखता है जो ठंडे पानी से स्किन में सिक्रीट होता है। गर्मियों में आइसक्रीम खाएं, इससे दिमाग में तेजी आती है और काम करेंगे, जो भी आप काम करेंगे उससे आपको खुशी मिलेगी। आपके कल की बात आपसे करने ही वाली हूँ, आपकी राशि की बात करूंगी। पर इससे पहले आपको बताती हूँ कि बच्चे अगर सोते नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, तंग हो जाते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं कि उनको चैन की नींद आए? और अगर आपके घर छोटे बच्चे नहीं है तो प्लीज उनसे शेयर कीजिए जिनके घर है। मेजरली पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि उनका बच्चा रात में सोता नहीं है जिससे उनकी नींद खराब होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ आसान से टिप्स जिससे बच्चे को भी रात में अच्छी नींद आएगी और आप भी चैन से। पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि उनका बच्चा रात में सोता नहीं है जिससे उनकी नींद खराब होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ आसान से टिप्स जिससे बच्चे को भी रात में अच्छी नींद आएगी और आप भी चैन से सो पाएंगे। रात में आपका बेड हमेशा क्लीन होना चाहिए, फ्रेश बेडशीट होनी चाहिए। बच्चे को दिन के समय ना सोलाएं, इस चीज का थोड़ी देर बाद उठा दें, ऐसा करा करें। सोने का रूटीन सेट कर दें, सोते समय हल्के और ढीले कपड़े पहनें और बच्चे को भी पहनाएं। सुलाने से पहले ध्यान रहे कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। बच्चों को अंधेरे में ना सुलाएं, कमरे में हल्की रोशनी रखें। अगर आप अपने कमरे में 0 वाट का ग्रीन बल्ब लगाएंगे तो बच्चों को ज्यादा अच्छी नींद आएगी। और बच्चों को कंबल ओढ़ने दें और नींद आने तक उनके सिर पर हाथ फेरें। इससे एक कंफर्ट का एक सबकॉन्शियसनेस कनेक्ट बनता है, इससे आपका बच्चा सुबह भी आपके प्रोटेक्शन भरे माहौल में उठेगा। और सुलाने से पहले हल्की मसाज करें। अगर आप लोअर बैक पे बच्चे को हल्का मलते हैं तो इससे नींद और अच्छी आती है। मैं आपको बताने वाली हूँ पूजा की खास विधि, पर इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियां देखें, इससे आपका गुड लक शार्प होगा। आपका लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। वृषभ राशि के लोग पिस्ते की बर्फी खाएं या पिस्ता और मिश्री खाएं, इससे आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे और प्लैनेट्स आपका साथ देंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज चावल ना खाएं। चावल आपको कहीं ना कहीं मून की वजह से स्ट्रेस दे देगा
और कहीं किसी फीमेल से कोई कॉम्प्लिकेशन बहसबाजी हो जाएगी। लकी टाइम नाइट 9:20 PM। और कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, खाने के बाद नींबू पानी पिएं। आपका केतु जितना स्ट्रांग होगा लोग आप पे हावी नहीं होंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। आप अपनी राशि के हिसाब से किसी भी रिश्ते में कैसा बिहेव करते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन दूसरा इंसान अपनी राशि के हिसाब से कैसा बिहेव करता है ये आप नहीं जानते। ये मैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले बताती हूँ पूजा करने की सही विधि। अक्सर आप मन से पूजा करते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी पूजा पूरी नहीं हो पाती। तो पूजा करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, जिस पर आप पर भगवान का कनेक्शन और स्ट्रांग बने, ये कनेक्शन स्ट्रांग बने, और रोज पूजा करते समय ये सही चीज अपनाएंगे तो कनेक्शन और स्ट्रांग होगा। चलिए आपको बताती हूँ कैसे। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका चेहरा ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर। जब भी आप लाइफ में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर पूजा करते हैं, आपके सारे कॉम्प्लिकेशंस के आंसर्स उत्तर आपको मिलते हैं। और जब भी आप पूरब यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चेहरा कर पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो आपका क्राउन चक्र ज्यादा सक्रिय हो जाता है और आपका पूजा में ज्यादा मन लगता है। पूजा में पहनने के लिए हमेशा व्हाइट, रेड, येलो, ऑरेंज कपड़ों का इस्तेमाल करें। ये सूर्य और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपको स्टेबिलिटी से पूजा में मन लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी भी बिना आसन के बैठकर जमीन पर या खड़े होकर पूजा ना करें। जब आपके और अर्थ के बीच में कपड़ा रहेगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आपकी एनर्जी आप तक रहेगी। और कभी भी प्लास्टिक की मूर्ति यूज ना करें। इको फ्रेंडली चीज, किसी स्टोन, नेचुरल चीजों की जब आप मूर्ति यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए आर्टिफिशियल मैनमेड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक वगैरह को ना यूज करें। आपके मंदिर में जो आपके ईष्ट हैं, क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ डिविनिटी जो आपके लिए हैं, उनकी 3 उंगली से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। पूजा से पहले आपको शंख जरूर बजाना चाहिए, और इस ये अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा म्यूजिक चला दिया करें। और आचमन के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर पूजा की जगह पर रखें, और फिर सभी डायरेक्शंस में जल छिड़कें, जिससे पूजा में कहीं कोई नेगेटिविटी, कोई विघ्न ना आए, सब दिशाएं आपको सपोर्ट करें। तिलक के लिए आप चंदन और सिंदूर यूज करें, और हाथ जोड़कर सबसे पहले श्री गणेश जी को याद करें, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, हर पूजा में पहले उनको याद किया जाता है। पूजा के बाद आप क्षमा प्रार्थना या मंत्र जरूर करें, ताकि आप ईगोलेस होकर जब पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं अहम भी बढ़ता है कि हमने ईश्वर को इतना टाइम दिया, हम बैठे पूजा में इतनी देर टिक कर पूजा करी। तो जब आप क्षमा याचना करते हैं तो आप वापस से ईगोलेस हो जाते हैं, और जो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी आपको कहीं ना कहीं उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आप भगवान से सरल तरीके से क्षमा मांग सकते हैं कि कोई भी गलती हो तो प्लीज माफ करना, आपके बच्चे हैं, आप अपने आप सिर पर हाथ रखना, जो भी आपका पर्सनल बोलने का तरीका हो वो बेस्ट काम करेगा। अनार के कितने फायदे हैं, ना सिर्फ आपकी हेल्थ को बल्कि वास्तु और फेंगशुई के हिसाब से भी आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले आपको बताती हूँ रिश्ते कैसे निभाने हैं, वो भी सिर्फ किसी की राशि देखकर। जोडियक साइन हर रिश्ते में 3 चीजें दिखाता है। क्या है ये 3 बातें, और किस राशि वाले लोग रिलेशनशिप में कैसा बिहेव करते हैं और इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, चलिए जानते हैं। मेष राशि के लोग एक्शन, एडमायरेशन और केयरिंग होते हैं, खुद को हीरो शो करना पसंद करते हैं। इन्हें खुद से जीतने दो, इनके सामने हर चीज चुनौती की तरह, मतलब चैलेंज की तरह पेश नहीं करो, अदरवाइज ये अफेंड हो जाएंगे। वृषभ राशि के लोग ऑथेंटिसिटी, सेंसुअलिटी और स्टेबिलिटी, बदलाव इन्हें किसी भी तरह से पसंद नहीं है, हमेशा आपको परखना चाहते हैं, आपको परखते रहेंगे, इनका साथ दें और आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ाएं। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, बहुत ज्यादा हम जिसको बोलते हैं एंथुजियास्टिक, बातचीत करना पसंद है,
ऐसे लोग रिश्तों से या किसी शख्स से जल्दी उब जाते हैं। लगातार एक जैसा बिहेव ना करें, खुश रहने के लिए लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहें। कर्क राशि वाले लोग कैंसेरियंस सुरक्षा सिक्योरिटी पसंद करते हैं, तेज दिमाग होता है, नर्चरिंग होते हैं, तो घर पर आपके साथ रहना चाहते हैं, इमोशनल बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं और दिल की बात आपके साथ करते हैं। आप इनकी बात ध्यान से सुनिए, इनको अवॉइड करेंगे तो ये बिल्कुल चिढ़ जाएंगे। सिंह राशि के लोग एंटरटेनमेंट आराधना और ईगो इनके अंदर होती है, अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है। ज्यादातर लोग खुद को और दूसरों को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देते हैं अगर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया जाए। इनको अच्छा महसूस कराते रहना चाहिए, तारीफ करना नहीं भूलिए। कन्या राशि के लोग वर्गोस, इनको एंथुजियाज्म चाहिए और साथ में आप इनके विश्वास को जरूर जीतें। दूसरों के काम को पूरा करने में ये लोग हमेशा आगे तैयार रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि इनको चौधरी बनने का शौक है, बस वैसे ही समझिए। पर इनसे मदद के लिए आप भी पूछते रहें कि आपको मदद चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि ये मदद के लिए उतारू रहें। इनकी भावनाओं का सम्मान करें, ये आपके लिए जो भी करें आउट ऑफ द वे उसकी रिस्पेक्ट करें। तुला राशि के लोग लिब्रंस, ये मन को मोह लेते हैं, रोमांस और स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं बनाए रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों को परखने में विश्वास करते हैं, यानी कि तोल मोल कर ही आपके साथ कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, दूसरों को फायदा भी पहुंचाते हैं। जितना प्यार मिलता है उतना ही ये प्यार देते भी हैं। खुश और शांत रखिए इनको। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियन सच्चाई पसंद करते हैं, कंट्रोल और क्लोजनेस कोशिश बनाते हैं कि ये क्लोजनेस बन सके, पर किसी पर इनिशियली जल्दी विश्वास नहीं करते। आपके पहले कदम से ही आपकी पहचान कर लेते हैं, इतने पारखी होते हैं और ये लोग ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। आप खुद को उनका करीबी शो करें। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन फ्रीडम एडवेंचर ऑनेस्टी इनके ट्रेट्स हैं। इस राशि के लोग हिम्मत वाले होते हैं, किसी काम को अंजाम देने के लिए ये लोग हम ये बोल सकते हैं कि साहस वाले लोगों की तलाश करते हैं। आपके साथ दुनिया की सैर और कुछ सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया चाहिए। इनके साथ लापरवाह दिखें लेकिन दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉशियस दिखेंगे तो ये कहेंगे इतना सोचने वाला है, रिस्क नहीं ले सकता। इनको रिस्क टेकर्स पसंद आते हैं। मकर राशि वाले लोग कैप्रिकॉर्न्स, जिम्मेदारी रिस्पेक्ट और ईमानदारी इनके की ट्रेट्स हैं। ज्यादातर लोग रिस्पेक्ट पसंद करते हैं, खुद को ये लोग कहीं ना कहीं सीरियसली लिए जाना पसंद करते हैं, आप इनको कैजुअली नहीं लें और जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपे, जिससे ये लोग आप पर पूरी तरह से विश्वास करें और आप इन पर विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। इनको काम दीजिए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। कुंभ राशि वाले लोग एक्वेरियंस के ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी, फ्रेंडशिप और स्पेस। ज्यादा रोमांटिक नहीं होते ये लोग, पाबंदी में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरों को परखते जरूर हैं। किसी तरह का प्रेशर इन पर ना डालें, नहीं तो आउटबर्स्ट हो जाएगा। मीन राशि के लोग पाइसेंस अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन और फेथ इनके कीवर्ड्स हैं। ज्यादा डिपेंडेबल होते हैं ये लोग, ज्यादा रोमांटिक होते हैं और त्याग की सैक्रिफाइस की भावना वाले लोग होते हैं। रिलेशनशिप में संभल कर और सोच समझ कर साथ देते हैं। आपकी राशि की बात करेंगे, देखेंगे कि कल आपको क्या खास करना है, पर इससे पहले अनार के अचूक फायदे जानिए। अगर नोज से ब्लीडिंग होती है तो 100 ग्राम अनार की हरी पत्तियां, 50 ग्राम गेंदे की पत्तियां, 100 ग्राम हरा धनिया और 100 ग्राम हरी दूध एक साथ पीसकर पानी में मिलाकर इसका शरबत बना लीजिए। अब इस लिक्विड को दिन में 4 बार पिए और आपकी बॉडी से गर्मी भाग जाएगी। बॉडी की गर्मी दूर भगाने के लिए अनार का जूस पानी में मिलाकर अगर आप पीते हैं तो गर्मी के दिनों में आपकी बॉडी की एक्सेसिव हीट दूर होती है। अगर दांतों से खून आए तो क्या करें?
अनार के फूल आप छाया में सुखाकर बारीक पीस लीजिए। इस पाउडर को दिन में 2 या 3 बार टीथ पर मलिए। आपको वॉमिटिंग अगर घबराहट होती है तो क्या करें? तो अनार के बीज को पीसकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिलाएं। इसे दिन में 2 या 3 बार खाएं, वॉमिटिंग सेंसेशन बंद हो जाएगी। अनार के जूस में हनी मिलाकर लिक करने से भी वॉमिटिंग बंद हो जाती है। पेट में कीड़े हैं तो क्या करें? 20 ग्राम खट्टे अनार का छिलका और 20 ग्राम शहतूत 200 ग्राम पानी में उबालकर पिएं। आप एक काम और करिए, अनार की जड़ और तने की छाल का काढ़ा बनाकर पिएं। इससे भी पेट के कीड़े दूर चले जाएंगे। आपके सपनों को डीकोड करने का वक्त आ गया है। सपने में क्या देखते हैं तो ये अच्छे साइन है, क्या देखते हैं तो बुरे साइन है बताऊंगी, पर इससे पहले आपकी राशि, आपके कल की बात। सिंह राशि के लोग अपने घर में येलो फ्लावर सजाएं। इससे आपकी साउथ वेस्ट नगर करते हैं तो फैमिली रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। लकी टाइम है आफ्टरनून 3:55 PM। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी दोस्त से बात करें। आप अपने दोस्त से बात करेंगे किसी भी प्रॉब्लम में आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। तुला राशि के लोग लिब्रम, गाय को केले खिलाएं। ऐसा करने पर आपकी लाइफ की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। और वृश्चिक राशि वाले लोग दूध या दही, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका मन कहीं किसी बात को लेकर परेशान होगा और स्ट्रेस इंक्रीज होगा। लकी टाइम नाइट 8:40 PM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद पैसे और कैश को बढ़ाते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं, खूबसूरती की, आपकी सुंदरता की, स्पेशल ब्यूटी टिप्स की। पर इससे पहले क्या कहते हैं आपके सपने ये जानते हैं। क्या आपको पता है कि आपके सपने आपका भविष्य बताते हैं? कैसे? देखिए, अगर आपको सपने में बार बार सांप दिखता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको अगर सपने में बार बार ऊंट, शेर या कोई जंगली जानवर दिखता है या आप उसकी सवारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी आपको तंग कर सकती है, आपको चेकअप पे जाना चाहिए। अगर सपने में आप कोई ब्राह्मण यानी कोई लर्नेड पर्सन, भगवान, राजा, गाय या कोई अच्छा फ्रेंड देखते हैं तो उसका मतलब जो प्रेजेंट स्ट्रगल या बीमारी चल रही है वो दूर होगी। अगर आप सपने में खुद को उड़ता हुआ देखते हैं तो आपकी चिंताएं, आपका स्ट्रेस दूर होगा। और अगर आप सपने में काले कपड़े में किसी को देखते हैं या कोई आपको देखता है तो आपको चोट लग सकती है। फिर से आपकी राशि की बात करेंगे, आपके कल की बात करेंगे, पर इससे पहले आपको खूबसूरत बनाते हैं। मार्केट में मिलने वाले फेस वॉश की बजाय आप एलमंड पीस कर उसमें मलाई और ठंडा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मलाई मिलाएं, अगर ऑयली है तो सिर्फ बादाम और दूध। इससे आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, चेहरे पर रौनक और चमक भी बनी रहेगी। 10 दिन के अंदर नींबू मिले गर्म पानी में पुदीना, तुलसी मिलाकर स्टीम लेने से चेहरे में निखार आता है। और नींबू के जूस में आंवले का पाउडर मिलाकर बालों के रूट्स में लगाएंगे तो बाल जल्दी बनने लगते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको क्या करना है मैं बताऊंगी, पर इससे पहले आपकी राशि की बात। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, नेगेटिव सोच से बचें। नेगेटिविटी आपको और नुकसान पहुंचाएगी। पॉजिटिव कैसे रहें? कपूर जलाएं। आपका लकी टाइम है इवनिंग 7:20 PM। मकर राशि के लोग केप्रिकॉर्न्स, शिव जी की पूजा करें, सारे काम बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। कुंभ राशि के लोग घर लौटते समय कोई भी ग्रीन कलर की चीज लेकर आ जाए, कुछ ना मिले तो 2 हरे पत्ते ले आए, देखिए आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। मीन राशि के लोग किसी की बुराई ना करें, जो बोएंगे वही काटेंगे, पॉजिटिव बोलिए सबके बारे में। लकी टाइम इवनिंग 7 PM। आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है ये आपको बताने वाली हूँ।
पर उससे पहले मुझसे बातचीत कैसे करनी है ये जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, प्रॉब्लम्स, इंटरेस्टिंग रेसिपी, कुछ स्पेशल टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें हमें भेज दीजिए। हमें इंतजार रहता है आपकी लिखी हुई हर मेल का। पटना से आज हम रूप नंदिनी शर्मा का सवाल लेते हैं जो अपने बेटे को लेकर परेशान है। बेटा लगातार 2 साल से फेल हो रहा है। चलिए रूप नंदिनी से बात करते हैं। आप एक काम करिए, अपने बेटे को बोलिए पीले चार्ट पेपर पर काफी अच्छे क्लीन हैंड राइटिंग में स्वास्तिक बनाएगा। 108 स्वास्तिक उस पीले चार्ट पेपर पर बनवाकर अपने बेटे से वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच दीवार पर चिपकवा दीजिए और वहीं पर उसको बोलिए कि बैठकर पढ़ा करे नॉर्थ ईस्ट में चेहरा करकर ऑपोजिट देखकर। कुछ ही समय में आप उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन में बहुत फर्क देखेंगे। चलिए बात करते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने की। कई बार बहुत मेहनत के बाद भी बिजनेस में लॉस होता है और आपका पैसा डूब जाता है, तो ऐसे में क्या करें ये बताते हैं। तो आप क्या करें, सुबह उठकर वेंसडे के दिन हरे रंग के कपड़े की छोटी थैली तैयार करें, उसमें गणेश जी की छोटी फोटो या छोटी सी मूर्ति डाल के पास में रखकर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। अब इस थैली में 7 मूंग के दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया, एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक चांदी का रुपया और 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रख दें। अब गणेश जी को आप घी के मोदक का भोग लगाइए। भोग के बाद इस थैली को तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दीजिए और हर साल इस थैली को बदलना ना भूलें। आप ऐसा करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जल्द सुधर जाएगी। कल जानते हैं मैं आपको तुलसी जी से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगी। तुलसी जी ही नहीं, संतरा जो सीजन आ रहा है इस फ्रूट की बात करेंगे, बच्चों की परवरिश की भी बात करेंगे, कुछ आपकी कुछ घर की बात करेंगे। तो कल इसी वक्त मिलते हैं। अच्छा खाना है, टिप्स सबके साथ शेयर करनी है और कल इसी वक्त मेरा इंतजार करना है। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।